Hello everyone, this is Rahim Zulfikar Ali from Excel Basement, and in this video we will learn one more good feature which is introduced by the Excel, which is called fuzzy lookup. And let me explain you how it works and in which situations basically it works for us. So let's start. For having this fuzzy lookup add-in, you need to download it from the Microsoft website and install it. So let me just tell you that how you will so you need to go to this website link, which you can see on your screen, and then you will click on the download button to download the setup of this fuzzy lookup add-in for Excel. And when you finish the downloading, you just need to install it, and it's very easy process to install this add-in. If you find any difficulty, or if the setup is failed during the installation, if any error comes in during the installation, then definitely you need to go to another link, which is called for the Visual Studio 2010 tools for Office runtime. So basically this add-in has been designed on the Microsoft Visual Studio on the C++ language. So and definitely Microsoft Office is a product which is designed on the Microsoft Visual Studio. So if your laptop or PC don't have that Visual Studio Office runtime, so first you need to download this, install this, and then you can again install and download the fuzzy lookup add-in. So let's get started. तो अब हम fuzzy lookup जो है वो देखेंगे कि किस तरह से Excel में use किया जाता है. अब let's say कि मेरे पास यहाँ पर एक data मौजूद है जिसमें दो कॉलम्स हैं, कंपनीज की लिस्ट है और उनकी सेल्स की अमाउंट है, ठीक है. और मुझे इस इन कंपनीज की लिस्ट में से चार ऐसी कंपनीज हैं जिनकी सेल्स की अमाउंट देखनी है. तो अगर मैं लेट सपोज जब हम वी लुकअप जैसे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक लुकअप वैल्यू होती है और हम उसको एक टेबल एरे के अंदर देखते हैं और आउटपुट कॉलम डिफाइन करते हैं और फॉल्स यूज करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच करता है लुकअप वैल्यू को डेटा बेस के अंदर. अब यहाँ पर डेफिनेटली नॉट अवेलेबल आएगा क्योंकि एबट लेबोरेटरीज जो है वो यहाँ पर डेटाबेस में तो मौजूद है, बट मैं जिस नेम से इसको सर्च कर रहा हूँ वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है और स्पेलिंग मिस्टेक है बेसिकली. सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप वैल्यूज की नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ आपके पास वी लुकअप में ट्रू का सिनेरियो होता है जो अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा होता है. लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि जब टेक्स्ट की बात होती है तो हमें टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग एंड अदर सिंबल्स एज वेल. तो यहाँ पर फजी लुकअप जो बनाया गया है, जो डिजाइन किया गया है, वो इस तरह से है कि वो एक एप्रोप्रिएशंस लगाता है, एक थ्रेशोल्ड है उसके पास, या बैकएंड पे हम कह लें कि कुछ प्रोबेबिलिटीज या कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि जिसके बेसिस पे वो अंदाजा लगाते हैं कि जो यूजर मैच करना चाह रहा है वो तकरीबन आस पास है इस अल्फाज के. अगर आप देखें तो मैनुअली ये काम अब तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, उनके एम्प्लॉयज कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं थी. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फजी लुकअप बता रहा हूँ जो काफी हद तक आपका काम आसान कर सकती है, ठीक है. और वो उस वक्त कर सकती है जब आप टेक्स्ट को जो है वो अप्रोक्सीमेट मैच करवा रहे हो, ठीक है. तो जरा इसको स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे काम करेगा. सबसे पहले आपको डेफिनेटली फजी लुकअप का एड इन चाहिए होगा, जो इसकी इंस्टॉलेशन करनी होगी आपको, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दी है. आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको ये टैब नजर आ जाएगा एक्सेल के वर्जन के अंदर, चाहे आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, प्रोबेबली 2010 और अबव वर्जन को इस्तेमाल कीजिएगा. इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जहां आपको आउटपुट चाहिए सबसे पहले आप वहां जाएंगे और फजी लुकअप के बटन पे क्लिक कर देंगे तो राइट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शन नजर आएंगे. एक नेविगेशन पेन आपको नजर आ रहा है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है लेफ्ट टेबल और इसके बाद है राइट टेबल. इसका मतलब क्या है, देखें लेफ्ट टेबल में सजेस्ट ये किया जाता है कि जी लेफ्ट साइड पे आपके स्प्रेडशीट के वो डेटा हो जो रियल टाइम डेटा हो, और राइट साइड पे आपके पास वो डेटा या टेबल होना चाहिए जिसमें आप चीजों को ढूंढना चाह रहे हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है आउटकम के लिए, ठीक है. तो और एक और खास बात का ख्याल रखिएगा कि ये दोनों डेटाबेस टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्टेड है. अगर ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं होंगे तो फजी लुकअप काम नहीं करेगा, आपको उसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है. तो लेफ्ट साइड पे हमने वो डेटा रखा है जो हमारा रियल टाइम डेटा बेस मौजूद है लेफ्ट साइड शीट के, और राइट साइड पे जिस वैल्यूज को हम लुकअप करवाना चाहते हैं. फिर बॉटम पर यही इसी स्क्रीन पर जो है वो आप बेसिकली क्या करेंगे कि दो
कॉमन कॉलम्स को कंबाइन करेंगे, एक है कंपनीज लिस्ट और यहाँ पे है लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो लेफ्ट कॉलम्स में से आप कंपनीज लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं और राइट कॉलम्स में लिस्ट ऑफ कंपनीज, और फिर आप इनको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स यानी मैच हो गए आपस में। और इसके बाद आप जो है सिमिलरिटी थ्रेशहोल्ड का जो ऑप्शन है उसको कम से कम रखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम रखेंगे, ताकि वो एक अच्छा अप्रोक्सीमेट मैच आपको जो है वो निकाल के दे। और इसके बाद आप गो के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो के बटन पे क्लिक कर देंगे वो चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट करेगा, वैल्यूज को ढूंढना स्टार्ट करेगा और आपको एक आउटकम ला के देगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने एबॉट लेबोरेटरीज यानी जिस तरह से मैंने लिखा था और जो रियल था उसको आपस में मैच करवा दिया और एक रॉ के अंदर मुझे निकाल कर दे दिया। इसी तरह से एडम्स रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो उसने एडम रिसोर्स एंड एनर्जी के साथ उसको कनेक्ट करवाया है। एडवांस ऑटो। अब यहाँ पर एक मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि जैसे एडवांस ऑटो और एफिलेटेड INC है उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास कंपनी जरूर मौजूद है, लेकिन चूंकि थ्रेशहोल्ड का इशू है तो वो उसके साथ मल्टीपल मैचेस में जा रहे हैं जो कि गलत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फजी लुकअप अप्रोक्सीमेटली कुछ चीजों से आपको नियरेस्ट मैच करवा के देगा, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिमिलैरिटी थ्रेशहोल्ड के जी वो किस हद तक जो है वो कामयाब रहता है आपको अप्रोक्सीमेट मैच करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप देखें तो अब ये बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यूज को निकाल के दे रहा है। मैं इसको अंडू करता हूँ, इसको फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट से इस मतलब मैं थ्रेश होल्ड जो रख रहा हूँ वो 0.23 रख रहा हूँ और गो के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक जो है वो मुझे अप्रोक्सीमेट मैच ऑल दो ये दिखा रहा है। ठीक है, अगेन एक और मरतबा रन करते हैं। नंबर ऑफ मैचेस लेट से 2-3 नंबर ऑफ मैचेस को इंक्रीज कर रहे हैं, थ्रेश होल्ड को कम कर रहे हैं। ठीक है, और अगेन जो है वो इस प्रोसेस को रन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जी कुछ कंपनीज की लिस्ट तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली मैच हो रही है जैसे ये और ये, लेकिन कुछ कंपनीज में वो डिफरेंट तरीके से उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, सो यहाँ पर हमारे पास हमें एक चीज ये समझ में आई कि अगर आप टेक्स्ट की वैल्यूज को लुकअप करवाना चाहते हैं अंदाजन, तो आपको ये हेल्प आउट कर सकता है, नॉट 100% बट अप टू सम लाइक 50-60% थ्रेशहोल्ड ये जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा अप्रोक्सीमेट मैच करवाने के लिए, ताकि आपका काम आसान से आसान होता चला जाए। ठीक है, कुछ और वीडियोज अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल्स रखी है जिसमें वन गो के अंदर आपको मैचिंग होती हुई नजर आ रही होगी, बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। समटाइम्स हमारे पास जब डेटा बहुत ज्यादा होता है और हम इस फजी लुकअप को चलाते हैं तो यहाँ पर स्टिल थ्रेशहोल्ड जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशंस बनाकर जो हमें दे रहा होता है, कुछ हद तक तो बिल्कुल ठीक होती हैं, कुछ हद तक ये एक्यूरेट नहीं भी होती हैं, तो हमें इसका बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। तो उसे लेट्स से कि अगर आप एक काम कर रहे हैं मैन्युअली दोनों को कंबाइन करके ढूंढने की, जिसमें आप पूरा दिन लगा देते हैं, तो आपका अच्छा खासा टाइम जो है वो उसमें बच सकता है। सो आई होप आप अपने रियल टाइम डेटा पे फजी लुकअप जो है वो अप्लाई करेंगे एंड लेट मी नो कि किस तरह के रिजल्ट्स पॉपुलेट हो रहे हैं और कितना परसेंट मैच हो रहा है। एज फार एज आई नो ये 40-60% मैच आपको करके देगा, नॉट एग्जैक्टली 100%। सो लेट सी कि नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वर्जन के अंदर और कुछ अरसे के बाद माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से इस फजी लुकअप के टूल के ऊपर काम करता है, जब इंडस्ट्री डेफिनेटली एक फीडबैक देंगी कि जी ये 100% तो नहीं जा रहा, 60-70% तक तो ठीक है, बट वी वॉन्ट दी एक्यूरेट रिजल्ट टू हैव दिस टूल टू बी वर्क ऑन आर सिनेरियो। सो इंशाल्लाह देखते हैं कि कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है, बट फॉर द मीन टाइम इट्स वेरी गुड एंड वेरी मच अप्रोप्रिएट 62-70%। थैंक यू।